टीवी किलर जो है ये इसको लगाने में इसकी ना बिल्कुल ही आवाज खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है। तो गाइस आज हम ये बनाएंगे, ये देखो गाइस ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से टीवी किलर बन चुका है। तो गाइस ये देखो ये है गाइस पॉपर, जो कि पार्टी वगैरह में ये यूज होता है। तो इसका गाइस हम यूज करके बनाएंगे अपना टीवी किलर। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस आज का व्लॉग है टीवी क्लिप के साथ, जो कि गाइस आपको पता हमने लगवाया है एक्जोस, जो कि गाइस बहुत ही लाउड आवाज करता है, जो कि आपको पता ही है। तो इसका गाइस सॉल्यूशन है ये टीवी क्लिप, जो गाइस ये इसको लगाने में इसकी ना बिल्कुल ही आवाज खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है। तो गाइस आज हम ये बनाएंगे और गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, देखना आप एंड तक। और गाइस वीडियो को जब तक लाइक, चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, व्लॉग को स्टार्ट। तो गाइस टीवी कलर को बनाने के लिए हमें चाहिए एक पॉपर, जो कि गाइस पार्टी वगैरह में यूज होता है ना, जो कि ऐसे फोड़ने में चलता है, जो कि गाइस हमने ले लिया है। तो जो कि गाइस ये है गाइस पॉपर, जो कि पार्टी वगैरह में ये यूज होता है। तो इसका गाइस हम यूज करके बनाएंगे अपना टीवी कलर। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि इससे हम कैसे बनाएंगे, पर गाइस ये आपको पता होगा भी इसमें ना एक मेटल होता है, जो कि मतलब कि बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है। तो हम इसका से ये सारा पॉपर वगैरह निकाल के इसका ये मेटल का यूज़ करके बनाएंगे अपना टीवी कलर, क्योंकि ये तो पूरा जल जाएगा ना इसकी ये फ्लेम से, तो इसका जो मेटल है वो रह जाएगा। तो करते गए इसे बनाते हैं और दिखाते हैं गए जैसे कैसे बनता है कैसे नहीं। और गए पैसे पहले हम इसे फोड़ेंगे, जो कि गए इससे पॉपर निकलता है, तो इसे फोड़ के बनाएंगे। तो गए हम इसे मतलब फोड़ेंगे, तो इसके फोड़ने के बाद गए इसे बनेंगे और मैं आपको बताता हूँ गए कैसे। पहले गए हम इसे फोड़ देते हैं, जो कि हम बाइक अपनी बाइक पर फोड़ेंगे। तो गाइस ये देखो ये पूरा फूट चुका है, और इसमें गाइस ये देखो खाली है बिल्कुल ही, आपको मैं दिखा देता हूँ ये देखो। तो गाइस ये देखो ये खाली है पूरा, अभी से गाइस खोल देंगे। गाइस ये देखो ये जो मैंने गाइस आपको बोला था ना, ये देखो ये इसको हम फोड़ने के बाद ये देखो ये पूरा ये आपको ये देखो ये मेटल निकल जाएगा। ये देखो गाइस ये है ना पूरी प्लास्टिक उतार के ये है गाइस असली मेटल, जो कि गाइस ये देखो मैं आपको आवाज भी सुना देता हूँ ये देखो। अभी गाइस हम इसका यूज करके गाइस हम बनाएंगे इसका टीवी कलर, जो कि गाइस एक मैंने बना के बनाया था, जो कि ये और ये थोड़ा सा मैंने पुराना है, ये भी गाइस ऐसी दूसरे पॉपर से गाइस मैंने निकाल के बनाया था। तो हम इसका भी आपको बताएंगे, जो कि गाइस ये देखो ये हमने फोड़ तो लिया और इसे गाइस हम निकाल के गाइस हम इसको बनाने की इसकी प्रक्रिया शुरू, जो कि गाइस ऐसे निकल जाते हैं। ये इसमें पिन वगैरह लगी होती है, वो उसके निकाल के ये ऐसे निकल जाते हैं। इसका भी यूज है पर इसे हम बाद में यूज करें। ये इसका पूरा ये मेटल का ये देखो ये, और इसको गाइस ऐसे हमें घुमाने से ना इसकी ये चीज़ बाहर आ जाती है, ये पूरी चीज़ बाहर आ जाती है। और हम गाइस इसमें शेक करके फिर इसका गाइस हम फिट करेंगे, फिर देखेंगे इसका क्या बनता है। तो नहीं आलो गैलेक्सी। तो ओके गाइस हम गाइस डीवी कलर को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले देखो ये है गाइस मेटल का, और ये निकलेगा पहले तो इसका गाइस यूज़ तो नहीं है, वैसे हम रख भी सकते हैं पर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम पहले ये इसे देखो ऐसे करके निकाल लेंगे, ये देखो गाइस ये ऐसे निकल जाता है पूरा। और ये इसका गाइस लॉक है, जो कि इसमें ना कोई तो जो कि गाइस ये जो मेटल है इसमें ना पूरी गैस भरी होती है, जिसको गाइस हम ऐसे मतलब कि ऐसे घुमा के ना, जो कि इसकी पूरी गैस वो ना रिलीज हो जाती है। और रिलीज होने के बाद जो गाइस इसमें ये पार्टी वाला पॉपर भरा होता है वो निकल जाता है। तो ये देखो ये ऐसे इसमें कुछ नहीं है। तो ये गाइस हमारा बन चुका है डीवी कलर आधा। तो हम गाइस ऐसे मतलब कि ये देखो ये गाइस डीवी कलर बन चुका है। अब गाइस हम इसे ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे गाइस इंस्टॉल करने के बाद इसमें गाइस पूरा मतलब कि हवा वगैरह निकलने का इसका कोई चांस नहीं है। तो गाइस हम इसमें ना पूरी इसमें पूरा एक होल कर देंगे अपने हिसाब से, जितनी हमें आवाज़ चाहिए। तो जैसे कि गाइस इसकी आवाज़ है, मैं आपको गाइस इसे आवाज़ सुना देता हूँ पहले, जो कि गाइस हमने ये पूरा निकाल दिया। और गाइस ये मतलब कि डीवी कलर तो बन चुका है आधा, पर इसमें गाइस एक और बात है, जो कि गाइस ये डीवी कलर जैसे कि बन चुका है, हम ना ऐसे एक जोश में ऐसे हम फिट कर देंगे। तो गाइस अब आप तो मतलब कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, पर इसकी गाइस जो फ्लेम है ना बाइक की जो फ्लेम वो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इसमें कोई होल नहीं है। तो इसमें पूरा होल कर देंगे, जो कि गाइस हम लगा इसके लगाने के बाद तो कंप्लीट तरीके से इसके बाद पूरी बाइक की आवाज़ पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएगी। तो गाइस पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कितनी इसकी लाउड आवाज है। गाइस इसका डीवी कलर लगा के दिखाऊँ आवाज का डिफरेंस आता है। तो गाइस इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड है, अभी देखना इसे मैं स्टार्ट करूँगा। तो गाइस अभी सुनना
इतना ज्यादा लाउड आवाज है इसकी लाउड आवाज गाइस इसलिए क्योंकि जो हमने ये एग्जॉस्ट लगाया हुआ ना इसमें गाइस कोई भी जाली वगैरह नहीं लगी हुई। जो कंपनी फिटेड आते हैं ना एग्जॉस्ट वगैरह मिल्की साइलेंसर वगैरह उसमें ना जाली लगी होती है तो जो फ्लेम आती है ना इसमें वो कम हो जाती है। तो ये पूरा गाइस खाली है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खाली है, इसमें कोई भी जाली वगैरह नहीं लगी, इसलिए गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ये लाउड आवाज करता है। तो इसकी लाउडनेस कम करेगी, ये डीप व्हीलर कम करेगा। तो गाइस इसे हम बनाते हैं और इंस्टॉल करते हैं, इसकी आवाज़ आफ्टर और बिफोर गाइस चेक करना आप कितनी ज़्यादा होती है। और पहले गाइस मैं इस पर डीप व्हीलर लगा के आपको इसकी साउंड चेक करवा दूंगा। तो गाइस बनाते हैं इसकी डीप व्हीलर और गाइस पहले हम इसे हॉल करेंगे, हॉल करने के बाद हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो फिर गाइस आपको सुनाऊंगा इसकी बात, बहुत ही ज़्यादा गाइस मस्त आवाज़ होने वाली। तो गाइस इसमें हम हॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये पेचकस, जो कि गाइस यहाँ पर रख के हम इसे ऊपर से मारेंगे हम हथौड़ा, जो कि गाइस इसकी आवाज़ पूरी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। 3, 2, 1 ये देखो गाइस हमने ना छोटा होल कर दिया तो गाइस निकल जाएगी, पर गाइस इतना अच्छा तरीके से वर्क नहीं करेगा गाइस, थोड़ा बड़ा इसकी गाइस होल थोड़ा छोटा, तो ये पूरा ना जोर लेने लग जाएगा इंजन। तो इसका थोड़ा सा और हम बड़ी छेद कर देंगे जो कि गाइस पूरे अच्छे तरीके से इसका होल हो पाए और अच्छे तरीके से इसकी। इसका जो पूरा होल है ना तो थोड़ा सा गाइस हम और होल बड़ा करेंगे जिससे गाइस बाइक की पूरी फ्लेम बाहर का पूरा धुआं गाइस बाहर निकले। तो गाइस अभी मैं छोटे प्लास का, तो ये देखो थोड़ा सा ही बड़ा ही करेंगे गाइस क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बात वैसी आने लग जाएगी। ये देखो ये थोड़ा सा हमने होल बड़ा कर दिया। तो गाइस इसमें गाइस होल तो की बात गाइस इसे हम ट्राई करके देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है। आई थिंक गाइस इसकी आवाज़ कम ही आएगी क्योंकि हमने गाइस छोटे होल किया ना, तो ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छी नहीं आवाज़ आई तो हम थोड़ा सा और होल बड़ा कर देंगे। तो पहले से गाइस ट्राई करते हैं, ट्राई करने के लिए गाइस हमें चाहिए, तो पहले तो गाइस आपका जैसे कि ये वाला जोश है ना जो कि वाइज मैंने कटवाया है ऐसे, ये ना 45 डिग्री से ऐसे कट करा हुआ है। तो जैसे कि गाइस मैं ऐसे ऐसे फिट करूँगा ना तो ये फिट नहीं आएगा, तो मुझे इसके फिट करने के लिए चाहिए जो कि गाइस इसका ये वाला जो हमने ये वाला इसका निकाला था ना, तो ये गाइस एग्जॉस्ट में पूरा फिट आ जाएगा। तो हम इसी फिट कर देंगे ऐसे ही, ये देखो ये जो है गाइस इसको ना हम ऐसे फिट कर देंगे जो कि ये देखो ये ऐसे फिट हो गया। तो इसे गाइस हम फिट कर देंगे अपने एग्जॉस्ट में जो कि डबल हो जाएगा, एक तो ये होगा एक ये मेरा एग्जॉस्ट होगा। तो इसकी जो आवाज़ आएगी उसको ना बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा क्योंकि गाइस ये खाली है ना तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा लाउड करता है। अगर ये डबल हो जाएगा तो उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर देखना, तो गाइस हम ये से ना इसे ऐसे बांट देंगे अंदर एग्जॉस्ट में, ये देखो ये गाइस इजीली है ना, बल्कि पूरा हमने ये जो पाइप है ना ये एग्जॉस्ट है ये ना बल्कि ज़्यादा ज़्यादा चौड़ी नहीं है, नॉर्मली है। तो ये देखो ये हम थोड़ा सा करेंगे, ये देखो गाइस अंदर जा रहा है, ये देखो गाइस ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से डीपी कलर बन चुका है। ये देखो गाइस हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से टीवी कलर बन चुका है और हमने इंस्टॉल भी कर दिया, बहुत ही अच्छे से इंस्टॉलमेंट हो गया गाइस। ये देखो पूरा गाइस कोई भी दिक्कत नहीं आई, हमें ऐसे ही मिलकर कर दिया। और इसे ये तो गाइस मैंने अभी ट्राई के लिए किया है, तो इसका जो आगे वाला प्रोसेस है वो हम करेंगे। पहले गाइस इसकी हम आवाज़ चेक कर ले, इसकी आवाज़ की फर्क पड़ा या नहीं, अगर नहीं पड़ा तो गाइस मैं आपको एक और सोल्यूशन बताऊँगा इसका, जो कि गाइस इसमें होगा टीवी कलर में होगा। जो अभी गाइस देखते हैं अभी इसकी आवाज़ चेक करते हैं गाइस, आपको मैंने पहले इसकी बिना टीवी मैंने आवाज़ सुनाई थी, तो अभी देखना इसके गाइस आवाज़ में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। अभी देखो ये देखो आपको देखा ना, पहले गाइस मैंने इसकी आवाज़ आपको चेक करवाई थी कितना ज़्यादा लाउड थी, अपनी बाइक फाइनल ले रही थी, तो जैसे कि गाइस मैंने देखो फिट करके बहुत ही ज़्यादा गाइस ये बल्कि लाउडनेस इतनी कम हो चुकी है, बल्कि बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है इसकी लाउडनेस। जो भी गाइस हमने ना बल्कि पूरा होल निकाला था वो ना सीटी मारने लग गया, जो गाइस देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में गाइस इसकी वॉइस बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइस अभी निकाल लेते हैं हमने, जो कि गाइस ये देखो हमारा है डीवी कलर। और गाइस ये देखो ये जो मैंने गाइस आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना डीवी कलर, जो कि गाइस मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है,
तो ये गाइस मैंने बनवाया था ऐसे ही, मैंने कर भी बनाया था, जो कि गाइस मैं बाजार वगैरह जाता हूँ ना, कभी मन नहीं मन होता है ये आवाज़ का, तो गाइस ये लगा के, तो गाइस मैं आपको ना इसकी भी गाइस मैं आपको पूरी आवाज़ चेक करवा देता हूँ। ये भी गाइस बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब गाइस मेरे पास दो डिबिकलर हो गए, एक न्यू वाला एक पुराने वाला, ये देखो। और गाइस आपने इसकी तो आवाज़ पूरी तरीके से सुन ली, कितनी मस्त आवाज आई है, और बिल्कुल ही साइलेंट हो गया बाइक मेरी, बिल्कुल साइलेंट हो गई है। अब गाइस मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करके सुना, ये जो डिबिकलर है ना इसे ऐसे निकाल के, और ये जो पुराने वाला डिबिकलर उसे ऐसे इंस्टॉल कर देना। ये देखो गाइस ये इंस्टॉल होगा पूरे तरीके से। तो ये गाइस मैंने ना सिल्वर फॉइल लगाई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता ना बाइक, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लग जाती, तो उसके लिए ना तो मैंने थोड़ा सिल्वर फॉइल चढ़ा दिया था। तो वैसे ही तो गाइस अब इसकी वाज चेक करना आप कितनी साइलेंट आई है। तो गाइस ये देखो, ये देखो इसमें ना गाइस मैंने पूरी जाली सी इसमें फिट करी हुई है। ये देखो आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, इसमें गाइस जाली सी फिट करी हुई है, आने के बाद बिल्कुल ही साइलेंट हो जाए, जीरो हो जाता है बिल्कुल ही इसमें। ये गाइस ऐसा होगा ना, इसमें पूरा ये जो हमने लगवाई है, हमने ये इसमें छेद किया ना, तो ये सी है ना, जब इसमें गाइस हवा निकलती है तो ये ना सीटी प्रोड्यूस करता है, जो सीटी मारता है, तो ये वाला है सीटी वाला, ये वाला है नॉर्मल बिल्कुल चुप। चला के देखते हैं इसे लगा के, और गाइस राइड थोड़े से करके लगा के, तो चलो गाइस चलते हैं इसे बाहर निकालते हैं। और गाइस मैं अभी ये कर देता हूँ, मैंने फिक्स नहीं किया आपको दिखाने के लिए, ऐसे किया मैंने फिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम गाइस हाईवे में चलाएंगे ना तेज भगेंगे, तो गाइस ये निकल सकता है, ये निकले ना गाइस, इसे मैं फिट कर देता हूँ। ये तो गाइस मेरा बना हुआ है, जो कि गाइस उसमें सिल्वर फॉइल लगा देंगे, और इसमें गाइस हम सिल्वर फॉइल लगा देंगे, और ये भी गाइस जो इसमें भी गाइस हम सिल्वर फॉइल लगा देंगे, जो कि गाइस हम ना ये इतना अंदर चल जाएगा, इतना अंदर जाने के बाद गाइस ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा, हम हाथ से जोर लगा के हम निकालना पड़ेगा और लगा के अंदर करना पड़ेगा, और इसके गाइस फिक्स करते हैं, जो कि गाइस हम करेंगे सिल्वर फॉइल से, जो कि गाइस ये सिल्वर फॉइल, और इसे गाइस निकाल के, ये देखो ये सिल्वर फॉइल, और ये देखो गाइस मैंने इसका इसलिए यूज़ किया, ये है गाइस ये पूरा सिल्वर का ही होता है, और इसमें से गाइस बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने के बाद ये गाइस जलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा सिल्वर का ना, ये है गाइस पूरा गत्ता ही है, गत्ते को भी गाइस आग लग सकती है, इसलिए हम गाइस ये सिल्वर फॉइल का हम यूज़ करेंगे, जिससे गाइस ये ना बल्कि जलेगा नहीं, और हम इसे ऐसे फिक्स कर देंगे, ऐसे फिक्स करके हम गाइस टेपिंग वगैरह कर देंगे। ये देखो ये गाइस हो गया, हम यहाँ था ये ना गाइस अभी टाइट हो जाएगा सलांसर के अंदर जाके, और ये टाइट हो जाएगा गाइस, फिर ना बल्कि निकलने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। और ये देखो ये होगा गाइस पूरे तरीके से सेफ, जो कि गाइस हम सलांसर के लगा देंगे, तो गाइस हम जितना मल्कि भगा लेंगे बाइक ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये गाइस हम ना टाइट करके अंदर के लिए। ये देखो ये गाइस पूरा ना टाइट तरीके से, ये सिल्वर फॉइल ना ये मिलती है हमें ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ये ना पूरा जब तक ये पूरे तरीके से टाइट नहीं होगा तब तक लिए अच्छा नहीं होगा। ये देखो हमें गाइस टाइट ही चाहिए, ये देखो जो कि गाइस एक्स्ट्रा सिल्वर फॉइल ये निकला है ना, अब गाइस इसे रिमूव कर देंगे, ये देखो ऐसे, जो कि गाइस ये ना पूरा प्रॉपर तरीके से ये फिट हो गया, और इसकी ना प्रॉपर तरीके से टाइट हो गया। ये देखो तो गाइस ये देखो अभी तो गाइस ये हमने पूरा अच्छे तरीके से हमने फिट कर लिया, अब गाइस इसे बाहर निकालते हैं, और अभी चलते हैं बाहर लेके चलते हैं इसे, और लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं इसे, गाइस चला के देखते हैं इसकी आवाज़ चेक करेंगे, और गाइस घूमेंगे और रील वगैरह भी शूट करेंगे। तो गाइस चलते हैं इसे बाहर निकालते हैं, चलो गाइस लेट्स गो। तो गाइस इसे बाहर निकालते हैं, जो कि गाइस ये देखो प्रॉपर लगा हुआ है, तो वो भी देखना गाइस इसकी बात, और गाइस पहले हम निकाल लेते हैं इसे बाहर। तो गाइज मैंने अपनी बाइक बाहर निकाल लिया घर से, और ये गाइज मेरा फ्रेंड मनदीप, जो कि गाइज इसने मेरे बाइक का हैंडल ये देखो मुड़वाया था, मोड़ा था, जो कि गाइज इसने किया था, बहुत ही मस्त गाइज हैंडल कर दिया। तो गाइज इसके ये पास अभी डिबिकलर, मैं गाइज अपने घर से निकल के आ गया था, तो गाइज अभी हम रोड पे आइए, देखो रोड पे है, तो गाइज अभी ना डिबिकलर का अच्छे से टेस्ट होगा,
डीवी कलर लगा के अभी टेस्ट होगा जो की हम डीवी कलर लगा के चलाएंगे गाइस, पूरा भगा के देखेंगे इसकी कैसी आवाज आती है। साइलेंट हो गया, अभी में डीवी कलर डालेंगे तो डाल दो। तो ये देखो गाइस, ये इसने पूरा इजी तरीके से ये डलता है। ये देखो ऐसे करके ये ऐसे डल जाता है पूरा इजी तरीके। तो गाइस अभी स्टार्ट करके हम जाएंगे, तो ये ना गाइस थोड़ी सी सीटी मारता है पता नहीं कैसे, पर ये ना सीटी मारने जो कि गाइस तो छोटा सा होल है ना, तो इसी वजह से ये सीटी मार रहा है। तो भी गाइस स्टार्ट करके हम चलेंगे, तो देखना गाइस इसकी बात और पूरे साइलेंट हो गया। गाइस जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो गाइस सब्सक्राइब, ऐसे मस्त मस्त वीडियो के लिए। सनसेट भी होने वाला है, ये देखो बहुत ही अच्छा गाइस व्यू आ रहा है। ये अच्छे व्यू चेक करो गाइस कितना अच्छा आ रहा है। ये देखो गाइस अभी जा रहे हैं, जो कि गाइस मैं नहीं चला रहा, मेरा चला रहा गाइस फ्रेंड। अभी गाइस ये देखो इसके गाइस आवाज सुन सकते हो आप, बिल्कुल ही साइलेंट हो गया। अभी गाइस मैं आ चुका अपने वाले बाइक पे, आज आपको चेक करवाता हूँ। बिल्कुल ही साइलेंट हो गया और गाइस बहुत ही सस्ता जुगाड़ है, आपको बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं और थोड़ी सी सी अभी गाइस हम जा रहे हैं आगे थोड़ी और इसकी टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो अभी चलते हैं। हम आ चुके हैं हाईवे के नीचे और ये देखो गाइस बाइक क्या मस्त लग रही है खड़ी हुई। और गाइस पहले ना गाइस हम यहाँ पे आके खड़े हैं और गाइस यहाँ पे ना इसकी आज की गाइस टेस्टिंग वगैरह आपको दिखाएंगे और ये कितना साइलेंट हो गया और दिखाता हूँ गाइस। और अभी गाइस चेक करना आप इसके सिनेमैटिक शॉट बाइक के, देखो क्या मस्त लग रही है बाइक खड़ी। और ये देखो 3 2 1
ये ऐसे ही इजीली ये फिट हो जाता है अभी देखने के बाद बिल्कुल ही गाइस साइलेंट। तो गाइस देखा आपने कितने हमने घर पे अपना डीवी कलर बना लिया अपने बाइक के लिए, और गाइस जैसे कि मैंने आपको सुनाई थी ना इसकी आवाज कितनी ज्यादा लाउड आवाज थी, तो बिल्कुल ही साइलेंट हो गया अपनी बाइक। सस्ता गाइस अपना जुगाड़ था, और गाइस ये हमें पॉपअप मिला ओनली गाइस 40 रुपए का हमें ये पॉपअप मिला, और लागत गाइस हमें कोई भी नहीं आई, हमने बस बीच में बस एक होल कर दिया और हमने गाइस इंस्टॉल कर दिया बस। इतने में गाइस हमारा बन गया इतना अच्छा टीवी कलर। तो गाइस वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और तो गाइस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को कर लो गाइस सब्सक्राइब ऐसी गाइस मस्त मस्त वीडियो के लिए, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो आगे के बहुत ही मस्त मस्त कंटेंट आ रहा है। और हाँ गाइस इसके ना बाइक के रिलेटेड रोज के रोज इंस्टाग्राम पे गाइस रील डलती है, डिस्क्रिप्शन में गाइस इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लो, इंस्टाग्राम पे गाइस फॉलो कर लो, वहाँ पे गाइस एक दिन में गाइस 2 रील डलती है, बहुत ही मतलब अच्छी रील डलती है, वहाँ पे गाइस फॉलो कर लो। और गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट फ्लो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी ऐसी मोटिफिकेशन के बाइक के देखने के लिए। डीवी कलर गाइस अच्छा लगा हो तो गाइस कमेंट कर देना आप, और नेक्स्ट फ्लो गाइस किस चीज़ पर करना कमेंट कर देना, हम उस पर कर देंगे गाइस। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट फ्लो में, तब तक बाय।